नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूं रीना। पंचांग के अनुसार आज शुक्रवार को आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और शुक्रवार योग बना हुआ है। आज चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा है। आज अश्विनी नक्षत्र है, आइए जानते हैं आज आपका राशिफल। मेष राशि, आज के दिन आपको होशियार नहीं बनना चाहिए। जिन कार्यों में आप कमजोर हैं उसमें पीछे रहना ही आपके लिए लाभकारी होगा। ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें और काम पर ध्यान दें, नहीं तो गलतियों के चलते नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। मेष राशि के खुदरा व्यापारी अनावश्यक माल डंप न करें, बल्कि बिक्री के अनुसार ही स्टॉक रखने की सलाह देते हैं आज हम आपको। विद्यार्थियों को इस समय पैनी निगाह रखनी होगी, क्योंकि वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे। गले व पीठ में दर्द, डॉक्टर की सलाह लें। घर में सदस्यों के आपसी विवादों से आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है। वृष राशि, आज के दिन दूसरों का दुख दर्द बांटने का प्रयास करें। जो रिश्ते कमजोर हो चुके हैं उसे मजबूत करना होगा। नौकरी पर संकट के बादल मंडरा सकते, ऐसे में शांति से अपने कार्य को करते चले, साथ ही कमियों को भी दूर करना होगा। नए पार्टनर के जुड़ने की बात चलेंगी, गंभीरता से इस विषय पर सोचें और कोई निर्णय जल्दबाजी में ना लें। विद्यार्थियों को निरंतर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा, अन्यथा पिछला दिमाग से साफ हो सकता है। पेट और यूरिन में इन्फेक्शन होने की आशंका है। जीवन साथी के लिए समय अच्छा चल रहा है, उनकी उन्नति होगी। मिथुन राशि, आज के दिन जो भी काम करें उससे निर्धारित समय का पूर्ण कर ले। हर काम में लेट लतीफ करना आपको मुश्किलों में डाल सकता है। नई नौकरी ज्वाइन की है तो समय का विशेष ध्यान रखें। समय का मोल समझे तो वहीं दूसरी ओर मेल पर नजर बनाए रखनी होगी, कहीं महत्वपूर्ण मेल नजर से निकल ना जाए। पार्टनर के साथ संबंध मधुर रखें, आर्थिक मामलों में भी पारदर्शिता रखनी होगी, अन्यथा गलतफहमी के चलते विवाद होने की आशंका है। वाहन दुर्घटना के प्रति सचेत रहें, गंभीर चोट लग सकती है। सबके सहयोग से पारिवारिक वातावरण को सुखद बनाएं, विनम्र स्वभाव रिश्तों को मजबूत करेगा। कर्क राशि, आज के दिन काम की चिंता दिमाग में रहेगी और इसे समाप्ति की ओर ले जाने में आप काफी सक्रिय नजर आएंगे। भाग्य को कर्म के साथ मिलाकर अच्छा परिणाम पा सकते हैं। काम अधिक और सैलरी कम हो तो विचलित ना हो, बल्कि इस अवसर को भुना लेना चाहिए। बड़े व्यापारी समय निकालकर अपने बही खाते को चेक करते रहें, अकाउंट्स क्लियर रहना चाहिए। वर्तमान समय में कोई नाक के नीचे से चोरी कर सकता है। इस राशि के बच्चों को तली भुनी चीजों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। परिवार के महत्व को समझते हुए उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और समय व्यतीत करें। सिंह राशि, आज के दिन प्रोफेशनल ढंग से काम तो करना है, लेकिन किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं रखना है। सहकर्मियों के कामकाज को लेकर चर्चा करनी चाहिए। जिन कार्यों में आप कमजोर हैं उसे सीखने का प्रयास करें। व्यापार में सतर्क रहें, अधिक भरोसे पर कोई निवेश ना करें। युवा वर्ग दोस्ती देख सुनकर करें तो वहीं दूसरी ओर ग्रहों की नकारात्मकता संगत बिगाड़ने के फिराक में है। इस दौरान कुछ नशेबाज की संगत में फंस सकते हैं। इस राशि के बच्चे बहुत अधिक आइसक्रीम व कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, गला खराब हो सकता है। परिवार का पूर्ण सहयोग रहेगा, समारोह में शामिल होने से प्रेम बढ़ेगा। कन्या राशि, आज के दिन किसी घनिष्ठ व मित्रों से मिलकर मन प्रसन्नचित रहेगा। आपकी कला का प्रदर्शन देखकर लोग प्रशंसा करेंगे। यदि महत्वपूर्ण मीटिंग हो तो तैयारी पूरी करें। यदि किसी अन्य शहर मीटिंग के लिए जाते हैं तो संस्थान के प्रति ईमानदारी आपकी पहचान होगी। दवाइयों और हार्डवेयर से जुड़े व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा, तो वहीं दूसरी ओर ग्राहकों से बेवजह की बहस से दूर रहना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से माइग्रेन के रोगियों की समस्या बढ़ सकती है। घर के अनचाहे खर्चों की लिस्ट आर्थिक हानि पहुँचाएगी। परिवार से दूर रहने वाले अपनों से फोन पर संपर्क बनाए रखें। तुला राशि, आज के दिन खुद को अनावश्यक बातों में उलझाना नहीं है। हर किसी की बात की गहराई तक जाने से आप परेशान हो सकते हैं। जब तक नई नौकरी ना मिले तब तक आपको इसी संस्थान से जुड़े रहना चाहिए जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं। आज आपकी वाणी पर व्यापार निर्भर करता है, ऐसे में सभी ग्राहकों से प्रेम से बोलेंगे, उनके साथ लंबे समय तक जुड़े रह सकते हैं। युवाओं के लिए वैसे तो दिन सकारात्मक बीतने वाला है, लेकिन ध्यान रहे, बड़ों की सेवा करनी होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से खांसी जुकाम से बचकर रहें, इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, उनसे मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। वृश्चिक राशि, आज के दिन मेहनत करने से इच्छा नहीं हो रहेगी। दिमाग इससे बचते हुए नए नए रास्ते खोज सकता है। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों पर वर्कलोड अधिक रहेगा। चूंकि आप आलस्य के घेरे में होंगे इसलिए आपको कार्य दूसरों को सौंप सकते हैं। व्यापार में विस्तार करने की प्लानिंग करनी चाहिए, अन्य शहरों में भी विस्तार पर विचार किया जा सकता है। युवा वर्ग मानसिक रूप से तनाव में रह सकते हैं। हेल्थ को देखते हुए आपको सलाह है कि आज दवाइयों का सेवन करने वाले इसे खाना ना भूलें।
नियमित व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें। घर में बदलाव से पहले बड़ों की राय लेना ना भूलें। धनु राशि, आज के दिन धनु राशि वालों का मन कुछ सुख सुविधाओं के लिए आकर्षित होता नजर आएगा। आजीविका से जुड़े लोग, उच्च अधिकारी और वरिष्ठों को सम्मान कराना होगा, तभी इससे संबंधित सफलता को पा सकेंगे। व्यापार में होटल रेस्टोरेंट से संबंधित कारोबारियों को बड़े मुनाफे हाथ लगते नजर आ रहे हैं। यदि आपका कोई काम सरकारी विभाग से संबंधित है तो बहुत देख सुनकर करें। प्रतियोगिता को पार करने के लिए कठोर मेहनत से होकर गुजरना होगा। डायरिया से बचकर रहें। खान पान आदि घर का ही बना खाएं। विवाह समारोह में के लिए निमंत्रण मिल सकता है। यदि विवाह कन्या हुआ हो तो क्षमता अनुसार व्यवहार अवश्य करें। मकर राशि, आज के दिन आपको गंभीर रहना है। यदि कोई गलती करता है तो उसे वाद विवाद करने के बजाय सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हाथ में अगर नौकरी नहीं है तो आज अपने संपर्कों को एक्टिव रखें। इनके माध्यम से आपको काम अवश्य बनेंगे। सकारात्मक ग्रहों का कॉम्बिनेशन व्यापार को उन्नति की ओर ले जा रहा है। इसके विस्तार पर भी विचार कर सकते हैं। युवा वर्ग को प्लेसमेंट की तलाश करनी होगी। सेहत में तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग और ध्यान करना लाभकारी रहेगा। परिवार के विवादों को सुलझाने में सक्षम होंगे। व्यस्त रहेंगे तो शाम तक स्थितियां ठीक हो जाएंगी। कुंभ राशि, आज के दिन ईर्ष्या करने वालों की संख्या में वृद्धि की आशंका है, लेकिन ध्यान रहे, ऐसे वक्त में भी आपको किसी को कुछ कहना नहीं है। ऑफिस में किसी भी काम को अंजाम तक पहुँचाने से पूर्व उसके विषय में चर्चा न करें। पार्टनर से विवाद हो सकता है, ऐसे में आपसी तालमेल रखते हुए जो भी कार्य करें उसमें एक दूसरे से पारदर्शिता रखें। युवाओं को अनावश्यक नहीं घूमना चाहिए। चोट चपेट लग सकती है, सेहत को देखते हुए बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना लें, अन्यथा समस्या बढ़ सकती है। माता पक्ष की ओर से कुछ तनाव हो सकता है, संकट तो हो तो उनकी जरूर मदद करें। मीन राशि, आज के दिन मीन राशि वाले विवाद को बढ़ावा देने वाली छोटी छोटी बातों को तूल ना दें तो वहीं दूसरे क्रोध पर संयम रखें। खुद को प्रेरणा देने के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम को आयोजित करा सकते हैं या ऐसे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ऑफिस में अनावश्यक होने वाली गपशप से दूर रहना चाहिए। दवा का काम करने वालों के लिए दिन शुभ है। अन्य कारोबारियों भी व्यापारिक मामलों में सजग रहें। युवाओं के लिए समय अच्छा चल रहा है, खुद को समय दें और कमियों को दूर करें। मांसाहार भोजन को शामिल करना आपकी सेहत में गिरावट कर सकता है। पिता के साथ तालमेल बनाकर चलें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।